बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेटर के थ्रू एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे, और वह भी ऐसी वैल्यू है जिसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 1/0.7427। स्टूडेंट, बहुत ही ईजी और सिंपल है इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना। जस्ट आप स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, देन लॉग, और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है -1 + 0.7427, और देन आपने इक्वल प्रेस कर देना है। तो आइए चलते हैं इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करना। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, देन लॉग, और आपकी जो वैल्यू थी -1 + 0.7427, एंड देन आपने इक्वल प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.55296, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 0.5530 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये आपके पास क्या आ गया, 0.5530। कोई और वैल्यू ले लेते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वैल्यू है जिसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव 2 है। तो आपने -2 + 0.5945 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस कर दें, तो आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ गई 0.03930। अगेन इसको आप राउंड ऑफ करके अगर लिखेंगे तो ये बनेगा 31, बट आप 0393 तक लिख दें, 4 डिजिट इनफ होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि अब आप इजिली कैलकुलेटर के थ्रू एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसी वैल्यू जिसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।